हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामरिक मामलों के जानकार हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF हर्ष वी पंत, और इसके साथ हमारे साथ हैं सुरेश गोयल जो पूर्व राजदूत हैं। हर्ष, ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और ये बात जरूर हो रही है कि क्या वहां पे बायलैटरल बातचीत होगी शी जिनपिंग से, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि इस दफा जो दो मुख्य एजेंडा है उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो कॉमन करेंसी की बात तो अब नहीं है, लेकिन जो ट्रेड की बात हो रही है देशों की अपनी करेंसी में, उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और साथ साथ एक्सपेंशन को लेके जो बात चल रही है, अगर एक्सपेंड करता है ब्रिक्स तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। नगमा, डी डॉलराइजेशन जैसा आप जिक्र कर रही थी काफी बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों से, और खासकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी डिमांड करना कि जो डॉलर का एक अधिकार है वो खत्म हो, उसको उसके चलते ये बड़ा मुद्दा बना और उसके बाद ब्रिक्स ने इसको काफी आगे बढ़ाया, लेकिन वहां पर अभी कॉमन कंसेंसस ब्रिक्स करेंसी पर नहीं हो पाया है, क्योंकि उसकी उसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग अलग किस्म की है, तो उसको अगर हमको उसका एक समावेशी समावेश करके कुछ उसमें अर्थ निकालना है तो उसमें समय लगेगा। लेकिन जो ट्रेड की जो बात हो रही है, लोकल करेंसी ट्रेड की जो बात हो रही है, उसमें काफी वजन है, और उसका आपने भी जिक्र किया कि काफी ऐसे काफी हद तक काफी सारे देश जो इस ब्रिक्स के हिस्सा का हिस्सा हैं वो इसमें पहल कर भी चुके हैं, तो वहां पर मुझे लगता है उस ट्रेडिंग को लेकर जरूर बात आगे बढ़ेगी और एक किस्म से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है जिसको इंडिविजुअल नेशंस जो हैं अपनी अपनी तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई चीज अगर कोई मुद्दा इस ब्रिक्स पर हावी रहेगा तो वो एक्सपेंशन का मुद्दा है, और उस पर दोनों ही तरफ से जो फॉल्ट लाइन है वो काफी गहरी है, क्योंकि चीन काफी हद तक इसमें जल्दी दिखा रहा है और भारत और ब्राजील जैसे देश कह रहे हैं हमको धीरे चलना चाहिए, हमको स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर सेट करनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन अंदर आ रहा है, हम क्यों और बाकी देशों को अंदर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। अगर ये अनवील्डी प्रोसेस हो जाता है, अगर ये ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म अनवील्डी हो जाता है, तो न सिर्फ उसके कोहिशन पर फर्क पड़ेगा बल्कि उसने जो ब्रांड ब्रिक्स ने बनाई है वो ब्रांड भी खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। तो इसलिए भारत का ये मानना है कि एक्सपेंशन होना चाहिए, ब्रिक्स प्लस अपने आप में एक अच्छा एक तरीका है इसको, जो आइडिया ऑफ ब्रिक्स है इसको आगे ले जाने का, लेकिन जब तक पैरामीटर सेट नहीं होंगे तब तक इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाया जा सकता, और क्योंकि ब्रिक्स कंसेंसस से चलता है तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ जो एक फॉल्ट लाइन है उसको उसका आना स्वाभाविक है, और उस मुद्दे पर यहाँ से जो बात शुरू होगी जो पिछले शिखर सम्मेलन से शुरू हुई थी वो और भी आगे जाएगी। पर चाइना जैसे काफी इसके लिए इच्छुक है कि वो और भी सदस्य उसमें आए, तो ये जो एक्सपेंशन की बात है उस पर आप कि आपका क्या आकलन है एम्बेसडर गोयल के? चाइना की एक और राय है लेकिन भारत जो है वो थोड़ा हेजिटेंट दिखता है, साउथ अफ्रीका के ऊपर है कि किस तरह से वो बीच में इसको मीडिएट करे, ब्राजील के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बहुत उत्सुक नहीं है कि और भी ज्यादा लोग आए, और आने के लिए भी देखिए कितने आवेदन हैं लगभग 20 देशों के जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश, खास करके सऊदी अरब अगर इसमें शामिल होता है तो ब्रिक्स की रूपरेखा उसका पूरा एक बहुत ज्यादा विस्तार होगा, और उसका क्या आप देखते हैं इम्पैक्ट? थैंक यू नगमा, ये आपने जो सवाल पूछा है ये इसके बारे में कोई एक जवाब देना बहुत मुश्किल सा काम है। आपने कहा कि चीन काफी उत्सुक है कि ब्रिक्स का आगे एक्सपेंशन हो, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि चाइना दिखा कुछ और रहा है और एक्चुअली चाहता कुछ और है, इसी तरह से नाम सऊदी अरेबिया का आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया अगर ब्रिक्स का सदस्य बन भी जाता है तो उसको इसमें क्या फायदा होगा? ऑयल वो अभी बेच रहा है, अपनी टर्म्स पर बेच रहा है, जो सदस्य है ब्रिक्स के वही खरीद रहे हैं, तो ब्रिक्स का सदस्य बनने के बाद में क्या उसको फायदा होगा? तो मैं देख रहा हूं कि एक्चुअली जो ज्यादातर आवेदन आ रहे हैं या इच्छाएं जाहिर की जा रही है वो खाली इसलिए कि इस नए युग में जबकि एक सुपर पावर खत्म होने की कगार पर है और ज्यादातर देश जितने ज्यादा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनते हैं उनको लगता है कि उनका उतना ही प्रभाव होगा, एससीओ के भी बनेंगे, इसके भी बनेंगे, उसके भी बनेंगे,
लेकिन इतने सारे एक ऑर्गेनाइजेशन होने से एक क्राउडिंग फैक्टर आ जाता है, जहां पर कि ये पता नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, लेकिन उससे पहले ब्रिक्स ये तो देखे कि करना क्या है, इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए उसका। अभी तक तो वही क्लैरिटी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं एक छोटा सबक जरूर लूंगा डी डॉलराइजेशन के ऊपर, हालांकि उसका इतना जल्दी होना बहुत मुश्किल लगता है। अगर सारी जो 5 सदस्य हैं वो अपनी अपनी करेंसीज में व्यापार करने के लिए तैयार भी हो जाए, तो उनके पास जो दूसरे देश की करेंसी का, क्योंकि तो ट्रेड बिल्कुल तो बैलेंस नहीं होगा ना, किसी का ज्यादा होगा एक्सपोर्ट, किसी का कम होगा, तो जिस देश के पास उस देश की करेंसी ज्यादा जमा होनी शुरू हो जाएगी, वो उसकी करेंसी का क्या करेगा? अल्टीमेटली जी करेंसी के सेटलमेंट के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मैं कहने के बाद में, मैं जो आप एक्सपेंशन की बात कर रही थी, एक बहुत मेन पॉइंट ये भी है कि जैसे कि ब्रिक्स शुरू हुआ था कि एक तरह से इसको एंटी वेस्टर्न ग्रुप के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वह जी चाहते हैं कि वेस्ट के भी, लेकिन अगर ये वेस्ट एंटी वेस्ट ना रह करके एक चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो वो किसके फायदे में होगा? तो काफी सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि एक्सपेंशन हो, पहले इसका इकोनॉमिक एजेंडा तय हो, गाइडलाइंस तय हो कि इनका मेंबर बनने के लिए आपके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बाद में देखिए फिर एक्सपेंशन क्या जी होता है, बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल, नहीं। आपने कई इम्पोर्टेंट सवाल उठाए हैं हर्ष। आपके आपकी राय इस पर क्या, ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन से हासिल क्या होगा, फिर ये जो इतने सारे देश इसमें दिखा रहे हैं अपनी इच्छा शामिल होने के लिए, क्या ये एक ये भी डर है कि चाइना सेंट्रिक ब्लॉक बन जाएगा। पर एक ब्रेक ले रही हूं मैं इस समय 5 की बात में, और लौटूंगी इस चर्चा पे। प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में है और वहां पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। इस ब्रिक्स का एजेंडा क्या है, इससे हासिल क्या है, इस गुट से इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। इस वक्त खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जोहानसबर्ग में उतर चुका है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और दक्षिण अफ्रीका में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हर्ष पंत हैं और सुरेश गोयल। हर्ष, इसमें दो तरह की बात हो रही है जो इसके एजेंडे पर चीजें, एक तो एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो इस एक्सपेंशन को लेकर फायदा क्या हो सकता है, और दूसरे के जो चीन की मौजूदगी है वहां पर, चूंकि चीन का इकोनॉमिक दबदबा वहां ज्यादा है तो इसको इसके चीन सेंट्रिक होने का भी एक खतरा हमेशा बना रहता है, और इसे एक एंटी वेस्ट गुट के तौर पर भी देखा जाता है कई बार। तो वैसे में भारत के लिए इसको बैलेंस करना जो है वो कितना मुश्किल है, और चीन और भारत में कई चीजों में टकराव भी है। ब्रिक्स में इस समय जो एक बेसिक फॉल्ट लाइन है वो चीन और भारत को लेकर है, और जब ये ब्रिक्स शुरू हुआ था तब एज अ प्लेटफॉर्म, तब इसमें भारत का ये मानना था कि रूस के साथ मिलकर चीन का जो आर्थिक दबदबा जो तब भी था उसको बैलेंस किया जा सकता था। पर अभी जब जो परिस्थिति बनी है उसमें रूस इतना कमजोर हो गया है आर्थिक तौर पर कि उसको एक तरह से हम चीन का जूनियर पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं, तो उसमें भारत के पास जो ऑप्शन है वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, और इसीलिए भारत की चिंता इस बात को लेकर बनी रहेगी कि जिस तरह से चीन एक्सपेंशन की बात कर रहा है और जिस तरह से चीन इसको एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़े करने की कोशिश कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति में इस तरह की जो अलाइनमेंट्स हैं उनको ओपन एंडेड रखना चाह रहा है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ, खासकर अमेरिका के साथ और पश्चिम यूरोप के साथ जो संबंध हैं उन्होंने उन्होंने गति पकड़ी है, और वो भारत के लिए डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, सामरिक पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भारत किसी प्रकार की एक तरह से कमी महसूस करे या किसी प्रकार से वो कमतर नजर आए ऐसा भारत नहीं चाहेगा, तो भारत के लिए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट तो जरूर होगा। और इसीलिए उस नजरिए से अगर आप इस एक्सपेंशन की डिबेट को देखें तो चीन जिस तरह से इसमें जल्दीबाजी दिखा रहा है उसको देखते हुए जरूर कहा जा सकता है, और भारत और ब्राजील ने भी कहा है और किसी एक
इनडायरेक्टली साउथ अफ्रीका ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम नहीं चाहते कि जो ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन चल रहा है उसका हिस्सा बने, और इसके इसके तहत हमको अपनी स्वायत्तता, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करके आगे चलना पड़ेगा। और भारत के लिए इसलिए जरूरी है कि भारत ब्रिक्स को चीन का जो एक पूरी तरह से दबदबा है उससे बचाने में अगर कोई मदद कर सकता है ब्रिक्स की, तो भारत कर सकता है। एक बढ़ती बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जिस तरह से भारत का वैश्विक स्तर पर हमने भारत का दबदबा बढ़ते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर काफी अपेक्षाएं भी होंगी। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये समस्या चीन और भारत के बीच में ज्यादा आएगी, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन चूंकि कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए भी चीन के लिए थोड़ी तकलीफ, चीन को थोड़ी सा परेशानी आएगी अगर वो एक्सपेंशन को और भी आगे पुश करने की कोशिश करता है। जी, एक्सपेंशन को आगे पुश करने की कोशिश चीन की तरफ से तो हो रही है, और ये एक खतरा बना हुआ है कि इसको एक एंटी वेस्ट ब्लॉक ये ना बने, और भारत के लिए सबसे ज़्यादा ये एक मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि भारत यहाँ ब्रिक्स में भी है, भारत क्वाड का भी मेंबर है, और ऐसे में एक बैलेंस करके जो भारत चल रहा है उसमें नुकसान हो सकता है भारत के लिए। और ये जो फॉल्ट लाइन है सुरेश गोयल जी, एक तस्वीर बस पहले आपको दिखा रहे हैं, फिर आते हैं हम आपके पास वापस। ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं जोहानिसबर्ग से, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, उनका विमान लैंड कर चुका है, और ये हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और वहां उनके उनके स्वागत के लिए, रिसेप्शन के लिए जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत वहां पूरी टीम मौजूद है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में वहां पर पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश गोयल जी भी। सुरेश गोयल जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, और इस समय प्रधानमंत्री वहां लैंड कर चुके हैं, और जो जब आप तो रह चुके हमारे राजदूत, तो आप इन तस्वीरों के बारे में, वहां पे जो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में हमें थोड़ा बता पाएंगे कि अब इसके बाद वहां तमाम वर्ल्ड लीडर्स पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी हम देख रहे हैं एयरपोर्ट पे। जी जी प्रोटोकॉल तो साउथ अफ्रीका का तकरीबन 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 जैसा हमारा है वैसा ही है। एक मिनिस्टर इन मीटिंग है, वो साथ में चल रहे हैं, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ अभी। ये जोहानिसबर्ग का जो एयरपोर्ट है, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया की का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि वहां पर उनका एक जो दूसरा एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, ऑफिशियल एयरपोर्ट है, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा भी था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 देश हैं, सारे एयरक्राफ्ट यहीं पर आ रहे हैं, तो अच्छा प्रोटोकॉल है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो वॉर्म्थ होती है, एक गर्म जोशी होती है जब भारत के वहां पर प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं, वो एक अलग होता है। क्योंकि जब भारत के साउथ अफ्रीका के जो संबंध रहे हैं, खासतौर पर जो भारत ने रोल अदा किया था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में, और मेरे को खुशी ये है कि मैं भी उसका जो स्ट्रगल था और जो भारत और भारत ने साथ दिया था उसका हिस्सा रहा हूँ यूएन की तरफ से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो भारत के मन में उनका आदर है वो यूनिक है। और एक चीज और मैं खास तौर पर कहूंगा कि इस समय अगर भारत ब्रिक्स में के सम्मेलन में भाग ले रहा है, इसमें काफी एक रोल दो चीजों का है, साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका से जो संबंध है बायलेटरल वो बहुत गर्मजोशी के हैं, और दूसरा जो रामाफोसा साहब ने एक अफ्रीकन देशों की मीटिंग अलग से बुलाई है, सेकेंड डे ऑफ द ब्रिक्स समिट, और भारत का भी रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज दे आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ, तो उसका हिस्सा है ये। तो बहरहाल जी अच्छा लग रहा है देखने में, मैं इतना ही जी, कहूंगा। हमने देखा और कि बड़ा वहाँ पे एक कुछ डांसर्स भी थे, कुछ पारंपरिक नृत्य भी हो रहा था स्वागत के में वहां। जी, वो ये इनका पारंपरिक हिस्सा है, ट्राइबल डांसेस होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस एज ए वेलकमिंग, तो वो है, अच्छा लगता है। जी जी, और एक ग्लोबल साउथ की आपने बात की, ये भी एक प्रधानमंत्री मोदी के विजन में है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो उस पर भी समझना चाहेंगे कि जो अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत हो रही है जी, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मैं जो मैं कह रहा था कि ब्रिक्स का एक एजेंडा होना चाहिए कि उनका इकोनॉमिक फोकस क्या है। जैसे G20 में मेरे ख्याल है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ है, कि हम G20 में साउथ की जो वॉइस है इकोनॉमिक एस्पिरेशन से, क्योंकि वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उससे जो है एक तरह से G20 में एक नई जान आई है। ये इसी तरह से मैं कहूंगा कि ब्रिक्स, और मेरे को याद है जब ये 2009 में साइन हुए थे,
उस टाइम पर मैं वहां पर मिडिल ईस्ट में ही था, इजिप्ट में था उस टाइम पर, जब ये साइन हुए थे ये एग्रीमेंट, उस टाइम पर आशा ये थी कि रशिया इंडिया चाइना जो उस टाइम पर डेवलपिंग वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज थी, रशिया खैर पहले एक दूसरा डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन पार्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज इमर्जिंग इकोनॉमीज एक रोल आरआईसी अदा करेंगे। बाद में उसमें ब्राजील शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो उस समय से लेकर के अब तक जियो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जियो इकोनॉमिक्स में अब जी बजाय पोल्स कम होने के पोल्स और बन गए हैं। चाइना एक पोल बन गया है, इंडिया सेकंड पोल बन रहा है, यूएसए है, यूरोप इज ऑन द डिक्लाइन। तो जब ये नए पोल्स बन रहे हैं तो नए पोल्स के बनने में उनके बीच में एक जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए बहुत जरूरी है। और अगर ब्रिक्स जी कुछ ना कुछ ऐसा तय करे कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेंगे तो फायदा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, अभी तक तो कि मैं चीन सोच रहा हूं कि सेंट्रिक, चीन केंद्रित ना होके लेकिन एक वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए अगर प्लेटफॉर्म बने वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, तो एक फायदा सभी को यहाँ पे होगा। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।